जन्मभूमि मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दी है। लगातार ये मांग की जा रही है कि काशी की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे कराया जाए। अब अहम जानकारी इस बारे में आपको हम दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त जुड़े हैं, न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, ये कमिश्नर की नियुक्ति के मायने क्या है? देखिए, तीन वकीलों का एक कोर्ट कमिश्नर बनाया जाएगा और वो जाके विवादित परिसर मथुरा में जाके वो सर्वे करेंगे। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया था, ठीक उसी तरीके से कोर्ट कमिश्नर इस बार नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है और अब मथुरा विवादित परिसर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो जाकर तीनों वकील जो है बतौर कोर्ट कमिश्नर वहां पर जाकर सर्वे करेंगे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। जी, इसके लिए कोई समय भी निर्धारित किया गया है क्या अमित, कि सर्वे के लिए या तीन वकील जो जाएंगे उनको इस तारीख को पहुंचना है? देखिए, जैसे ही कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा उसके बाद समय भी जाहिर तौर पर उसमें लिखा होगा, लेकिन ये शुरुआती अभी कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये साफ कहा गया है कि मथुरा विवादित परिसर में, मंदिर परिसर में, वहां पर अब कोर्ट कमिश्नर जो है वो सर्वे किया जाएगा। तीन वकीलों का ये पूरा कमीशन होगा जो जाएगा वहां पहुंचेगा और उसके बाद वो वहां पर सर्वे किया जाएगा। जिस तरीके से ज्ञानवापी में हमने देखा था कि कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सर्वे किया था, ठीक उसी तरीके से अब मथुरा में भी होगा। अमित, ये तारीख वाली बात मैंने आपसे इसलिए भी पूछी क्योंकि हमने देखा किस तरह से ज्ञानवापी मामले के ऊपर एक पक्ष ये नहीं चाहता था कि सर्वे हो और वो आगे अपर कोर्ट का रुख कर रहा था, तो यहां उस तारीख तक क्या दूसरे पक्ष के पास भी ये रहेगा कि वो आगे अपर कोर्ट में जाकर के अभी वाला जो फैसला है उसे रुकवा सके? जी हाँ, जाहिर तौर पे क्योंकि देखिए अभी शुरुआती दौर का यह फैसला आया है, जैसे ही डिटेल ऑर्डर आएगा जाहिर तौर पे या थोड़ी देर में वो तारीख भी बता दी जाएगी कब से कब तक ये जो सर्वे है वो किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो है तीन जो शुरुआती जानकारी आ रही है, तीन वकीलों का कमीशन बनाया गया है जो कि जाके कोर्ट में जो कि जाके मथुरा में विवादित परिसर में वो जाकर वो सर्वे करेंगे। फिलहाल जाहिर तौर पे तारीख होगी, क्योंकि तारीख होगी तभी जाके जो अगेंस्ट पार्टी है वो जाएंगे। बिल्कुल, अमित, आपने कहा तीन वकीलों का एक कमीशन होगा, क्या तीन वकीलों का नाम सामने आ पाया है क्या? देखिए, ये कोर्ट निर्धारित करेगा कि तीन वकील कौन कौन से होंगे। दरअसल इस पूरे मामले पर 16 नवंबर को कोर्ट में पूरी सुनवाई हो गई थी जिसके बाद फैसला सुरक्षित किया गया था और हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26/9 में अर्जी दाखिल की गई थी और उसी पर आज कोर्ट का ये फैसला आया है जिसमें तीन वकीलों की कोर्ट कमिश्नर बनाया जाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में ये सुनाया। जैसे ही डिटेल ऑर्डर आएगा तो जाहिर तौर पर उसमें जो तारीख है, तारीख और कौन कौन से वकील होंगे उनके भी नाम उसमें होंगे, तो ये थोड़े इंतजार के बाद ये जरूर मालूम चल जाएगा। तो हिंदू पक्ष की जो याचिका थी अमित, उसे मंजूर कर लिया गया है क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा था कि काशी की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे कराया जाना चाहिए, तो आप ये बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष की जो अर्जी थी उसे कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अमित, जाहिर तौर पर देखिए हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जिस तरीके से काशी में विवादित परिसर में कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे कराया गया है, ठीक उसी तरीके से मथुरा विवादित परिसर में भी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे कराना चाहिए और हिंदू पक्ष के द्वारा जो विष्णु शंकर जैन ने जो दलीलें कोर्ट में रखी थी उस दलीलों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने मान लिया है और यही वजह है कि कोर्ट कमिश्नर के द्वारा अब वहां पर सर्वे कराने की फैसला इलाहाबाद। एक चीज मैं और समझना चाहूंगी, दर्शकों को बताया कि हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है और अब यही तीन वकीलों का जो कमिश्नर है वो आगे सर्वे करेगा। तो अमित, हमने जैसा ज्ञानवापी में देखा था कि सर्वे के लिए जब टीम गई थी तो पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी, फोटोग्राफी कराई गई थी, तो हम ये मान करके चले कि अब सर्वे हो रहा है तो जब वकील अंदर प्रवेश करेंगे तो बाकायदा उनके साथ वीडियोग्राफी करने वाली टीम, फोटोग्राफी वाली टीम, सब कुछ सब अंदर जाएंगे।
हाँ जाहिर तौर पे जैसे ही कोर्ट कमिश्नर के द्वारा, जैसे ही कोर्ट कमिश्नर विवादित परिसर मथुरा में एंटर करेंगे, जैसा हमने ज्ञानवापी में देखा था कि वहाँ पर वीडियोग्राफी हुई थी और फोटोग्राफी हुई थी, ठीक वैसा ही मथुरा विवादित परिसर में जैसे ही कोर्ट कमिश्नर दाखिल होंगे वो वीडियोग्राफी की भी शुरुआत हो जाएगी, वहाँ पर वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी, ताकि एविडेंस उसका एविडेंस उनके पास रहे, उसी एविडेंस को ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं। ये एक जनरल प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का वहाँ पर पालन किया जाएगा, लेकिन कौन से तारीख तक वो तारीख। तो अमित सिंह को आप सुन रहे थे जो ये बता रहे थे कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसे मंजूरी मिल चुकी है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। अमित का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अमित, मुझे जरा आप ये बताइए, क्योंकि ज्ञानवापी वाले मामले में तो क्या था ना, एक दीवार से वो पूरा जो श्रृंगार गौरी वाला जो विवाद था वहां से शुरू हुआ था और वहां तक हिंदू पक्ष पहुंच नहीं पाता था। अब अगर मथुरा वाली हम बात करें तो जिस जगह का सर्वे होना है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि उस जगह को बंद रखा गया है, ताले में है, वहां अभी किसी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो मथुरा का विवादित परिसर है, जाहिर तौर पे वहाँ कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पर किसका वो है इस पे जी? मेरा, मैं विनय शर्मा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय, हिंदू पक्ष के लिए। वकील विनय शर्मा मीडिया के सामने आए, जरूर थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आगे हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन हिंदू पक्ष से जाहिर सी बात है जीत के तौर पर बड़ी देखेगा, क्योंकि बार बार ये मांग की जा रही थी कि काशी की तर्ज पर, ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे कराया जाना चाहिए और अब हाईकोर्ट की तरफ से उसे मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद का भी बाकायदा सर्वे कराया जाएगा, वीडियोग्राफी वहां पर भी होगी, फोटोग्राफी वहां पर होगी और ज्ञानवापी की ही तर्ज पर अब यहां मथुरा में भी ये जो पुराना लंबा विवाद चला आ रहा है जिसे हिंदू पक्ष निपटाना भी चाहता है और उसे लेकर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, उसमें शायद अब बहुत हद तक स्पष्टता आने की उम्मीद इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस मंजूरी के बाद मिल सकती है। तीन वकीलों का कमीशन बनाया जा चुका है, इस आदेश में ये जो मंजूरी दी गई है सर्वे की, उसमें तीन वकीलों का कमीशन बाकायदा बनाया जा चुका है और अब यही आगे सर्वे करेंगे। जो हम सर्वे शाहिदगा का होता है, हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार आप मुस्लिम पक्षों से मांग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि समझौते के आधार पर इसका भी डिस्पोजल होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या और काशी का हुआ था, तो क्या मुस्लिम पक्ष से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा था? देखिए, अयोध्या के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को काशी और मथुरा पर तो बैठकर समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि देश एक है और वहाँ मुसलमानों को भी सोचना चाहिए था कि सत्य क्या। शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7-11 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड, दैट आर्गुमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। द कोर्ट हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड। हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर, वेदर विल बी अ 3-member पैनल, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर, व्हाट विल बी द मोडालिटीज, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन 18 December। My demand was that in this Shahidgarh Masjid there are lot of signs and symbols of Hindu temple and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application and this order has been passed today. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये बताया कि अभी 18 तारीख को आगे पता चलेगा, लेकिन उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दायर की गई थी उसमें यही कहा गया था कि यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए एक कमीशन की जो ये पता लगाए कि आखिर सच क्या है, और वो ये कह रहे हैं बड़ी जीत है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या आप इसे बड़ी जीत मानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी अर्जी को स्वीकार किया गया है, जो मैं कह रहा था उसके ऊपर मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और अब जो शाही ईदगाह मस्जिद विवाद है उसमें सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। हिंदू पक्ष की जो अर्जी थी उसे स्वीकार यहां पर किया गया है। तीन वकीलों का कमीशन बनाया गया है, हालांकि जो आदेश दिया गया है उसकी अभी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है और फिर उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो कमीशन है उसको कितनी तारीख दी गई है, कब तक ये सर्वे के काम को मंजूरी मिलनी है, कब सर्वे का काम पूरा होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि मंजूरी दे दी गई है, हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज अलाउड आवर एप्लीकेशन वेयर वी आर डिमांडेड फॉर सर्वे बाय एडवोकेट कमिश्नर एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ शाहिदगा मस्जिद वेयर दे हैव सेड दैट 711 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड दैट आर्ग्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड द कोर्ट एंड हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर वेदर विल बी अ 3-member पैनल व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर व्हाट विल बी द मोडालिटीज ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन 18 December. My demand was that in this Shahidgah Masjid there are lot of signs and symbols of Hindu temple and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required and therefore the honorable court has accepted my application allowed my application and this order has been passed today. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा हमारी अर्जी को मंजूर किया गया और शाही ईदगाह ने पूरा आर्ग्यूमेंट जो इस पूरे बातचीत के दरमियान हुआ उसे मंजूर नहीं किया, हमारी अर्जी को मंजूर कर लिया। तो ये बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं विष्णु शंकर जैन। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, पहले देखिए ज्ञानवापी मामले में मंजूरी मिलना, बात तो सर्वे हो भी जाना, और अब जिस तरह से मथुरा में भी मंजूरी मिल गई है सर्वे की, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से जितनी भी 18 याचिकाएं थी मथुरा के कोर्ट में, उनको प्रयागराज हाई कोर्ट ने अपने पाले में ले लिया था और सबकी एक साथ सुनवाई कर रहा था। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब भगवान कृष्ण विराजमान के लिए शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन जो शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई थी, उसकी वापस कृष्ण विराजमान को वापस दिए जाने की मांग की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान को एक पार्टी बनाया गया है, जैसे रामलला को एक पार्टी बनाया गया था, और रामलला के नाम पर जितने केसेज हुए थे, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर लखनऊ बेंच, प्रयागराज हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा चला था। 3 दशकों के बाद वो जीत मिली थी। मुझे लगता है एक बड़ी शुरुआत ऐसी हो गई है जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान को जमीन दिए जाने की बात की गई है, और साथ ही साथ ये भी इस पूरे के पूरे जो पिटीशन है उसमें ये भी मांग की गई है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है वो अवैध रूप से बनी है, उसको भी हटाया जाना चाहिए। तो ये दो सबसे बड़ी बात है। एक पहला ये कि भगवान कृष्ण विराजमान पार्टी हैं, उनके नाम सारी ज़मीन ट्रांसफ़र की जाए जो दान में दी गई थी शाही मस्जिद को। दूसरा, अवैध रूप से बनी शाही मस्जिद को हटाया जाए, और इसमें 4 पक्षकार भी बनाए गए हैं, और मुझे लगता है कि अब जल्दी ही जब 18 दिसंबर की इसकी सुनवाई शुरू होगी, एक लंबी लड़ाई कम से कम इन याचिकाकर्ताओं के सामने पड़ी हुई है अभी अदालत में। ठीक है अमिताभ जी, आपके पास हम लौटेंगे। जैसा अमिताभ सिन्हा कह रहे थे, आपने सुना कि कैसे इसमें बाकायदा कृष्ण भगवान को एक तरह से पार्टी बनाया गया है, जैसे पहले हमने रामलला को भी देखा था। ये बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन हमने देखा ज्ञानवापी मामले में भी बड़ी शांति के साथ सर्वे हो गया शुरू में। हालांकि हमने देखा था कि कुछ लोगों की तरफ से विवाद हुआ था, अब वही नजीर यहाँ मथुरा में भी पेश की जाए, यहाँ पर भी वैसे ही शांति से सर्वे हो जाए। हाँ, कुछ लोग जरूर रहते हैं जो सामने आते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वो ज्ञानवापी के मामले में भी हमने देखा था, लेकिन अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया तब भी शांति से इसे स्वीकार किया गया, ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, और अब बड़े अपडेट ये कि मथुरा में भी सर्वे को मिली मंजूरी।